उम्मीद है दिलेराना फैसलों से मद्दाहों की उम्मीदों पर पूरा उतरा शाहिद आफरीदी का अलविदाई पैगाम। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए बोरी चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी ने सीरीज के इख्तिताम पर अलविदाई पैगाम जारी किया है। शाहिद आफरीदी ने न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज में फतेह हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की और साथ ही ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा कि वो पुर एहतमाद हैं कि कौमी टीम जल्द फॉर्म में वापस आएगी। साबिक कप्तान ने कीवीज बैटर ग्लेन फिलिप्स की शानदार बैटिंग की तारीफ की और कौमी क्रिकेटर फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की अच्छी बैटिंग पर खुशी का इजहार किया। शाहिद आफरीदी ट्वीटेड, थैंक्स टू द पीसीबी फॉर इंट्रस्टिंग मी विद द चीफ सेलेक्टर्स रोल फॉर पाक वर्सेस एनजी सीरीज। Really enjoyed the responsibility. Hope I lived up to the expectations of the fans with brave, bold decisions. Will always be available to help in any way I can. In another tweet, he tweeted, Congrats to Black Caps for winning the ODI series. Lot of positives for the real PCB to reflect on. I am confident they'll bounce back strongly. Brilliant knock by Phillips to snatch the game from us. Great to see Fakhar strike form and Rizwan continue to shine with the bat. एक और ट्वीट में शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए मुझे चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपने पर पीसीबी का शुक्रिया। मैंने इस जिम्मेदारी का भरपूर लुत्फ उठाया। उन्होंने मजीद लिखा कि उम्मीद है कि मैं अपने दिलेराना फैसलों के बायस मद्दाहों की उम्मीदों पर पूरा उतरा होऊंगा। मैं हमेशा किसी भी मदद के लिए हाजिर रहूंगा। ख्याल रहे कि 24 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी को न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए उबूरी सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। उबूरी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद आफरीदी जबकि अब्दुल रजाक राव इफ्तखार रुकन और हारून रशीद कन्वीनर थे। हर मुख्तलिफ न्यूज अपडेट के लिए iNews 365 को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि हर खबर रहे आपकी नज़र में।